أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکاة ادا کرنا وَالْحَجْ اور حج کرنا وَالصَّوْمِ رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا تو جیسے کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے اسلام کے پانچ ارکان جو پانچ پلرز ہیں ان میں سے ایک پلر ہے ایک رکن ہے جو اسلام کے ان پانچ ارکان کو مانتا ہے ان پر ایمان رکھتا ہے وہی مسلمان کہلاتا ہے بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جس چیز کو مانے اور جس چیز کی حقانیت کا اقرار کرے اس پر عمل بھی کر لے عقیدہ اور عمل ان دونوں کا اگر ہم کمپیریزن کریں ان کا اگر ہم موازنہ کریں تو جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ تو انسان اپنے والدین سے وراثت میں بھی لے سکتا ہے پیدا ہوتا ہے
तो हो सकता है कि पैदाइशी तौर पे वो दीन इस्लाम पर हो, उसको उसके लिए कोई मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन जहाँ तक अमल का ताल्लुक़ है, अमल विरासत में नहीं मिलता, ये इनहेरिट नहीं किया जा सकता। एक और भी फ़र्क हम जहन में रखें, इस्लाम तो विरासत में मिलता है, ये कानूनी दर्जा है, लेकिन ईमान विरासत में नहीं मिलता, इसलिए कि ईमान का ताल्लुक अमल से है। हो सकता है कि कोई मुसलमान हो और उसका अमल जो है वो मुसलमानों वाला ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा दिल के अंदर ईमान दाखिल हो जाए और दिल में ईमान दाखिल होने के बाद अमल ना बदले इंसान का, ये नामुमकिन है। अमल के लिए इंसान को मोटिवेशन चाहिए होता है, अगर वो मोटिवेटेड होगा तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाएगा। और ये जो मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं, इस पर तो आजकल बड़े बड़े सेमिनार्स हैं, बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स हैं। बेहतरीन लीडर्स की खूबियों में से एक खूबी जो बताई जाती है वो ये खूबी बताई जाती है कि वो अपनी टीम को मोटिवेट कर सके, उसके अंदर मोटिवेशनल क्वालिटीज़ हों। तो जहाँ तक इसका जज्बा मुहर्रिका का ताल्लुक़ है, मोटिवेशन का ताल्लुक़ है, तो हम ये देखते हैं कि इंसान को क्या चीज़ मोटिवेट करती है। जो बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं उनमें खौफ है, फियर इंस्टिंक्ट अल्लाह ने रखी है इंसान के अंदर, फिर जज्बा मोहब्बत है, लव इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर, मोहब्बत भी इंसान को अमल पर आमादा करती है, तजस्सुस भी है, क्यूरोसिटी, वो भी इंसान को अमल के ऊपर लेकर जाती है। हमने फियर की बात करी, मोहब्बत की बात करी, खौफ की, मोहब्बत की, तजस्सुस की, तो देखा जाए तो ये जो जज्बाए मुहर्रिकात हैं ये सिर्फ इंसानों में नहीं होते, ये जानवरों में भी होते हैं। ये प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स हैं जो कि हम जानवरों के साथ भी शेयर करते हैं। जहाँ तक इंसानों की खसूसी हैसियत का ताल्लुक है, तो इंसान में कुछ ऐसे मुहर्रिकात हैं जो जानवरों में नहीं होते, और इंसान के अंदर एक ख़ास जज्बा मुहर्रिका है, कामयाब होने का शौक़, टू बी सक्सेसफुल, अपने साथियों में नुमाया होने का शौक़, वो सबसे बेहतर लगना चाहता है, सबसे आगे निकलना चाहता है। और ये बहुत ज़बरदस्त मोटिवेटिंग फैक्टर है, बहुत ज़बरदस्त ये मोटिवेशन है। मिसाल से यूँ समझें कि बेहतरीन गाड़ी है, लेकिन फ्यूल के बग़ैर तो उसकी खूबियों का इजहार नहीं हो सकेगा उस गाड़ी की। बिल्कुल इसी तरह बेहतरीन सलाहियतों वाला कोई इंसान है, लेकिन उसके अंदर जज्बा मुहर्रिका नहीं है, उसमें शौक़ नहीं है, तो शौक़ ना होने की वजह से अमल नहीं कर सकेगा और उसकी खूबियाँ जो हैं वो डोरमेंट रह जाएंगी और उसकी खूबियों का इजहार हो नहीं सकेगा। दुनिया के जितने हंगामे हम देखते हैं, जो रौनकें दुनिया की हम देखते हैं, वो एक तो ज़रूरत की वजह से हैं, पेट भरना है, भाग दौड़ करनी है उसके लिए, कमा कर लाना है इंसान को, इसलिए कि खाना है, इलाज करना है, घर फराहम करना है, सरों के ऊपर छत होनी ज़रूरी है, कुछ माशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं वो निभानी हैं, तो ये तो ज़रूरत है जो इंसान को अमल पर आमादा करती है। लेकिन अगर हम दुनिया पर नज़र डालें तो लोग सिर्फ ज़रूरत के लिए अमल नहीं कर रहे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शौक़ के लिए भी अमल कर रहे हैं, और बहुत से दुनिया के हंगामे इंसान के शौक़ की वजह से हैं, बहुत से दुनिया की रौनकें और बहुत से दिलचस्प वाक़यात, बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें ये शौक़ की वजह से होती हैं। ज़रूरत का अगर हम मामला देखें तो ज़रूरत के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो तो एक मंडेन सी चीज़ है, एक रेगुलर सी चीज़ है, जा रहे हैं, कमा रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, थक रहे हैं, बेजार हो रहे हैं उसके अंदर। लेकिन जो लोग शौक़ की वजह से अमल कर रहे होते हैं उसमें एक्साइटमेंट होता है, उसमें दिलचस्पी होती है, उसमें अनयूजुअल चीज़ें होती हैं, वो रोज़मर्रा का रूटीन नहीं होता, वो मंडेन अफेयर्स नहीं होते, और वो चीज़ें जो शौक़ से की जाती हैं वो दूसरों को बहुत इंस्पायर करती हैं। जैसे कि हम दुनिया में देखते हैं कि समंदरों की गहराई से लेकर और पहाड़ों की चोटियों तक और फ़ज़ा की वसतों तक किस चीज़ ने पहुंचाया? ज़रूरत ने। चाँद पर जाना ज़रूरत है? नहीं। पैसिफिक ओशन की तह में उतरना ज़रूरत है? नहीं। क्या ज़ेबरे का कच्चा गोश्त खाना या हाथी का गोबर निचोड़ कर पी जाना कोई इंसान की ज़रूरत है, नॉर्मल ज़रूरत है? नहीं।
तो क्यों करते हैं लोग ये सारे काम? शौकीन होते हैं जो ये काम कर जाते हैं, और शौक़ के लिए इंसान जितनी मुश्किल उठाता है बाज़ दफ़ा ज़रूरत के लिए नहीं उठाता। और ये सोचें कि अगर ज़रूरत और शौक़ कंबाइन हो जाए कि कोई काम ऐसा हो कि जो इंतहाई ज़रूरी भी है और उसका शौक़ भी है, तो हम कहते हैं ना कि फिर तो मज़ा दुबाला हो जाता है चीज़ का। तो नूरुन अला नूर है कि मेरी नीड भी है और मेरा पैशन भी है। अच्छा, नीड है, पैशन है, उसके लिए टैलेंट भी तो चाहिए, जो उसका इजहार भी तो हमें करना है, उसके लिए सलाहियत भी चाहिए इंसान को, और सलाहियत के इजहार के लिए फिर हमने बात की कि हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। तो अब हम ज़रा सा अपने दीन की तरफ आते हैं और इस शौक़ का और ज़रूरत का मुकाबला हम इस्लाम के अहकाम से करते हैं। हमने बात की कि ज़रूरत के तहत भी इंसान मुशक्क़त मेहनत करता है, शौक़ के तहत भी करता है और बड़ी बड़ी मुश्किलात उठा लेता है। जो मुश्किलात जिनकी कि एक झलक सी हमने देखी, और यकीनन आपको इल्म होगा कि लोग अपने शौक़ के लिए क्या कुछ करते हैं। कोई बड़े बड़े पिंजरों के अंदर सांपों के साथ या बिच्छुओं के साथ या जहरीले जानवरों के साथ अपने आप को बंद कर लेते हैं, सिर्फ किस लिए कि कोई रिकॉर्ड कायम कर ले, उनका नाम कहीं अखबार में आ जाए, किसी किताब की जीनत उनका नाम बन जाए और उनका नाम चंद लम्हों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए लोगों की ज़बान पर आ जाए और लोगों की नज़रों में वो बहुत अच्छे बन जाएँ, गैर मामूली बन जाएँ। इसके लिए वो बहुत कुछ कर लेते हैं। इन मुश्किलात को देखें और फिर इस्लाम के 5 अरकान को देखें। इस्लाम के 5 अरकान पर अमल करना तो इन मुश्किलात के मुकाबले में ज़रा भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इंसानों की अक्सरियत तो छोड़ें, आज मुसलमानों की अक्सरियत भी इन पर अमल करने में सुस्ती कर रही है? क्या ख़्याल है आपका, क्या वजह हो सकती है? एक वजह जो समझ में आती है, मोटिवेशन की कमी, या ये सोचना कि वो हमारी ज़रूरत नहीं है इसलिए हम क्यों करें वक्त ज़ाया करना। दुनिया तो बहुत अच्छी चली रही है, तो फिर इबादत में वक्त लगा कर और दुनिया की तरफ से तवज्जो कम करके आखिर हमें क्या मिलेगा? जैसे कि एक सवाल पूछा जाता है किसी भी काम के करते वक्त कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मैं ये काम क्यों करूं? और जब फ़ायदा नज़र नहीं आता बज़ाहिर, तो इंसान वो काम नहीं करना चाहता। नमाज़ पढ़ना कुछ मुश्किल काम नहीं, अपने माल में से 2.5% निकाल कर ज़कात के तौर पर दे देना, वो भी जमा शुदा माल जो 1 साल से इस्तेमाल ना हुआ हो, जमा होता रहा है, उस पर 2.5% देना कुछ मुश्किल काम नहीं। सारी ज़िंदगी में एक सफ़र करना और उसमें हज कर लेना कुछ मुश्किल काम नहीं। चंद घंटों के लिए अपने आप को भूखा रख लेना कुछ भी मुश्किल काम नहीं, तो फिर सुस्ती क्यों है? लोगों का दिल नहीं चाहता दरअसल करने का, काम की मुश्किल इस वक्त पेशे नज़र नहीं है, मोटिवेशन की कमी है जो कि असल मसला है। लेकिन जिस सूरत हाल का हम जिक्र इस वक्त कर रहे हैं, ये सूरत हाल हमेशा से नहीं थी। इस्लाम के शुरू के दौर में हमको बहुत से बुज़ुर्गों के वाक़यात मिलते हैं कि ये फ़राइज़ तो एक तरफ, जिन 5 अरकान का जिक्र हमने किया वो तो थे ही अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी ज़िंदगी में पुख्ता थे, रासिख थे। इसके अलावा, इन्हीं 5 नमाज़ों के अलावा वो कितने ही नवाफिल अदा कर लिया करते थे दिन में, रमज़ान के रोज़ों के अलावा कितने ही नफली रोज़े रख लिया करते थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, किसी मसले की उनको तलाश थी और उसका सबूत उनको कुरान से चाहिए था, उस सबूत की तलाश में उन्होंने 300 दफ़ा कुरान पढ़ा, एक मसले की तलाश में। हम ज़िंदगी भर की बात नहीं कर रहे, तो क्या ये लोग सिर्फ यही काम करते रहते थे कि घरों में बैठे रोज़े रख रहे हैं और जैसे हम कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बस दौड़ दौड़ के जमातें ही अटेंड कर रहे हैं और नमाज़ें ही पढ़ रहे हैं, बाकी ज़िंदगी का क्या हो रहा है? बाकी ज़िंदगी पे नज़र डालें, शादी ब्याह भी हो रही होती थी, कारोबार भी हो रहा होता था, कमा भी रहे होते थे, घर भी आबाद होते थे, कारोबार में भी बरकत होती थी, खाने को भी मिल रहा होता था। इन हस्तियों के बारे में पढ़ें, किसी के बारे में शायद ही आपको ये मालूमात हासिल हो कि फ़लाँ नेक शख्स जो इतनी इबादत किया करता था, इतना नमाज रोज़ा करता था, वो भूख से या फाके से मर गया। कमी आपको ये मिलेगा, इल्ला माशाअल्लाह, कोई एक आध कोई मिल गया तो मिल गया, वरना कोई भूख से कोई फाके से नहीं मरा।
और कोई मुश्किलात के अंदर घिर कर किसी ने बहुत कम ही जिंदगियां गुजारी होंगी, मुश्किलात आईं यकीनन, लेकिन अल्लाह ताला ने रास्ता भी खोल दिया मुश्किलात से निकलने का, अल्लाह ने उनकी किस्मत का रिस्क भी उनको फराहम पहुँचा दिया, रिस्क भी उन तक पहुँच गया, उसमें बरकत भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, कनात भी आ गई जिंदगियों के अंदर, घरों को भी आबाद किया, कारोबार भी उन्होंने करे और मस्जिदें भी आबाद करी। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह नूर में फरमाया है कि रिजाल, वो मर्द, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाति व ईताइज़्ज़का, ऐसे मर्द कि जिनको तिजारत और ख़रीदो फरोख्त उनको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करती, ना नमाज क़ायम करने से गाफिल करती है और ना ज़कात अदा करने से गाफिल करती है। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स का मामला तो अपनी तरफ, आम इंसान जिनको हम बिल्कुल ऑर्डनरी ह्यूमन बीइंग समझते हैं, कोई मिसाल के तौर पे बढ़ई है, कारपेंटर है, कोई कारोबार करने वाला है, दुकान लेकर बैठा है, उनके बारे में वाक़ियात हमको मिलते हैं कि कोई लकड़ियां काटने वाला लकड़हारा, अजान की आवाज़ आती, कुल्हाड़ी उसने उठाई होती और कुल्हाड़ी पीछे होती, उसको आगे ना लाता था कि नहीं, अल्लाह ने बुला लिया कि हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, वहीं का वहीं वो कुल्हाड़ी को रख दिया करता और नमाज के लिए चल पड़ता। हमें ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं कि दुकान लगी है, गाहक खड़े हैं, लोग खरीदो फरोख कर रहे हैं, अजान की आवाज़ आई, उसके बाद एक पैसे का कारोबार नहीं करते थे कि अल्लाह बुला रहा है, इससे अहम और कोई पुकार, कोई बुलावा, कोई दावत नहीं हो सकती। तो ऐसे भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी मिसालें हमको अपनी तारीख में मिलती हैं और यकीनन आज हम तलाश करने जाएं तो आज भी होंगी। ऐसी बात नहीं है कि ये उम्मत जो है वो खैर से खाली हो चुकी हैं, यकीनन हमको ऐसी मिसालें मिल जाएंगी, बस तलाश करने की ज़रूरत है। तो ये सोचें कि जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का रूटीन ये होता होगा, तो जब रमज़ान आता होगा जो कि नेकियों की बहार बनकर आता है, तो उनकी इबादत का क्या हाल होता होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही बहुत इबादत किया करते थे, लेकिन रमज़ान में तो उनकी इबादत की शान ही कुछ और होती थी, उसमें मज़ीद मेहनत करते, मज़ीद मुशक्क़त करते, जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कुरान दोहराते, आप पहले ही बहुत सखी थे, किसी सवाली को आपने खाली हाथ नहीं लौटाया, लेकिन रमज़ान में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात होती तो आप चलती हवा की तरह जवाद हो जाते, सखी हो जाते। चलती हवा से क्या मतलब, जैसे हवा जब तेज़ चलती है तो जो को धूल मिट्टी उड़ती है वो हर घर में चली जाती है, चाहे को दरवाज़े बंद करे तब भी चली जाती है। तो ये आपकी फैयाजी का हाल था कि आपका फैज़ हर इंसान तक पहुँचता जो वहाँ मौजूद था, जो मांगता उसको भी देते और आपका खैर सब तक पहुँचता, जो ना मांगता उस तक भी आपका खैर, आपका फ़ज़ल पहुँच जाता। ये नॉर्मल हम रमज़ान की बात कर रहे हैं, और जो आखिरी 10 दिन होते जिसमें कि लैलतुल क़दर आती है, उसमें तो इस कैफियत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता सबसे कट के। हत्ता कि आप देखें कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना वजीफ़ा रिसालत था, वजीफ़ा समझते हैं, वजीफ़ा से मुराद है जो आपका अपना यानी कि फ़र्ज़ था, जो रिस्पांसिबिलिटी अल्लाह ने दी थी बहैसियत रसूल आपको, जो ज़िम्मेदारी थी आपको, इसको हम कहते हैं वजीफ़ा रिसालत। जो आपकी रिस्पांसिबिलिटी थी क्या थी बताइए, कुम फअंदिर, खड़े हो जाइए, ख़बरदार कीजिए, इंतज़ार और तबशीर, तबलीग यानी जिसको हम कहें। जब से आप पर वही का नुज़ूल शुरू हुआ, जब से लेके और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक, एक जो मुस्तकिल सुन्नत रही है वो है तबलीग की सुन्नत। एक लम्हा आपने कभी तबलीग करने से अपने आप को फारिग नहीं किया, लेकिन ये जो आखिरी 10 दिन हुआ करते थे रमज़ान के, उसमें आप सबसे कट के बस अल्लाह ही के हो जाया करते थे, तन्हाई इख्तियार कर लेते थे, जिसको हम एतिकाफ़ कहते हैं। ये रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की सुन्नत है, उसमें आप तबलीग भी ना करते, बस आप अपने रब से लौ लगा लेते। इंसान को देखिए अपने आप को रिफ्यूल भी तो करना होता है, तबलीग बड़ा एफर्ट लेती है, इसके लिए फिर जज्बा चाहिए होता है, मुखालिफतें हों, मुश्किलात आएँ, आजमाइशें आएँ, थकने लगता है इंसान, तो रिफ़्रेश करते हैं। हमारा भी फ़ोन, जब हमारे सेल फोन ओवरलोड हो जाते हैं, हम कहते हैं रिफ़्रेश कर लो उसकी मेमोरी को,
इसको रिफ़्रेश कर लो, इसको चार्ज कर लो। तो वो रिचार्ज करने के लिए, अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए ये 10 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस कर लिए थे। इसमें आप अपने रब के साथ ही अटैच हो जाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था तो सहाबा के बारे में हम ख़ुद तसव्वुर कर सकते हैं कि जिन्होंने हकीकतन हक्कन और फेलन हक अदा कर दिया था उस आयत का कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम लोगों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में क्या है, बेहतरीन नमूना है। तो सहाबा भी कसरत से कुरान पढ़ते और इस महीने में वो अपनी इबादत में, अपनी सखावत में और इजाफा कर देते। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर था, लेकिन ये बरकतें सिर्फ़ उस शुरू दौर तक महदूद नहीं थीं। बाद में भी हम देखते हैं कि जब इस्लाम अपने उरूज पर था और मुत्तकी लोग अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पाए जाते थे, तो उस ज़माने में, आने वाले ज़माने में जो ताबईन का दौर था, जो तबा ताबईन का दौर था, उसमें भी बाज़ बुज़ुर्गों का मामला ये होता था कि रमज़ान की तैयारी 6 महीने पहले से शुरू कर देते थे। हम कहें हैं 6 महीने पहले रमज़ान की तैयारी क्या करते होंगे? जो सवाल हम रमज़ान के बारे में पूछते हैं कि 6 महीने पहले क्या तैयारी करते होंगे रमज़ान की, अगर वो लोग आज आ जाएं और हम उनसे कहें कि ओलंपिक्स की तैयारी तो 4 साल पहले से शुरू हो जाती है, अगर उनसे हम ये कहें कि हम खेलों की तैयारी जो है, खेल हम उसकी तैयारी में 4 साल लगा रहे हैं और रात दिन मुशक्क़त कर रहे हैं लोग उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर उनको ये सुनने को मिले कि फ़लाँ के घर शादी है और 2 साल से तैयारी हो रही है, तो वो उससे भी ज़्यादा हैरान हो जितना हैरान हम हो रहे हैं ये सुनकर कि अच्छा रमज़ान के लिए 6 महीने पहले से तैयारी। बात यह है कि तरजीह किस चीज़ की है, अहमियत किस चीज़ की है। जिस चीज़ की जितनी अहमियत होती है उसके लिए इंसान उतना ही वक्त लगाता है। तो 6 महीने पहले से तैयारियाँ शुरू कर देते और रमज़ान आते उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर होते। जैसे कि कोई दौड़ने वाला जो होता है, जब वो रेस शुरू कर रहा होता है तो जब घंटी बजती है या सीटी बजती है उस वक्त तैयारी नहीं शुरू करता, वो बिल्कुल मुस्तैद होकर ऑन योर मार्क्स गेट सेट होता है और बस गो का इंतज़ार कर रहा होता है ताकि दौड़ पड़े। तो समझे इसी तरह वो फस्तबिकुल खैरात वाले लोग थे, नेकियों में सबकत करने वाले लोग थे। पहली रमज़ान आने वाली है, उससे पहले ऑन योर मार्क्स गेट सेट, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल मुस्तैद कि पहली रमज़ान आए और फस्तबिकुल खैरात, सारिउ इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम, दौड़ो अपने रब की मग़फिरत की तरफ, तुम मुकाबलाबाजी करो नेकियों के अंदर। और वो दौड़ पड़ते थे नेकियों की इस दौड़ में, इस रेस में आगे निकलने की कोशिश करते थे। फिर रमज़ान आता, जो खैर अल्लाह ने लिखा वो हासिल करते और उस रमज़ान का असर 6 महीने बाद तक वो महसूस करते थे अपनी ज़िंदगियों के ऊपर। उसके बारे में गौर करते कि रमज़ान ने मेरी ज़िंदगी पर क्या असर डाला, मेरा रमज़ान कैसा गुज़रा। क्या पता हम इस पर भी हैरत हो कि भाई ठीक है आया और चला गया, अब 6 महीने क्या डिस्कशन करना है उसको। तब आप ज़रा बताएं कि हमारे यहाँ शादी ब्याह का जब मामला होता है उसके कितने अरसे बाद तक तस्वीरें देखी जाती हैं, कितने अरसे बाद तक वीडियोज़ देखी जाती हैं, कितने अरसे बाद तक डिस्कशंस होते हैं उसके ऊपर। पैशन किस चीज़ का है, बात यह है ना कि शौक़ किस चीज़ का है। शौक़ है जो कि मोटिवेट कर रहा है, उनको भी शौक़ हुआ करता था अल्लाह की इबादत का और अल्लाह ताला को राज़ी करने का। एक वाक़ हमको मिलता है किसी एक कनीज़ का। हम जानते हैं उस ज़माने में स्लेवरी हुआ करती थी, कनीज़ें हुआ करती थीं, ग़ुलाम हुआ करते थे। अब ये जो कनीज़ थी ये किसी ऐसे घराने में थी जहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा हाई था। देखिए लिविंग स्टैंडर्ड एक तो पैसे से होता है, दुनियावी नेमतों से होता है, दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड का ताल्लुक इबादात से भी है कि किसके हाथ तकवे की दौलत कितनी है, कौन कितना मुत्तकी है। तो ये कनीज़ जिस घर में थी वो ऐसा घराना था जो तकवे की दौलत से मालामाल था। उस घराने में सारे साल नमाज, रोज़ा, हज का ज़िक्र, सदका खैरात, इसका चर्चा रहता था, वो इसकी आदी थी। नफली रोज़े रखे जा रहे हैं, नफली नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं,
फजर तो फजर, तहज्जुद के लिए घराना पूरा उठ रहा है, पीर और जुमेरात का रोज़ा ऐसे रखा जा रहा है जैसे कि कोई रूटीन है, आम रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है जैसे। उसके अलावा अयाम 20 के रोज़े, जबकि चांद पूरा हो रहा होता है 13, 14, 15 का, तो नवाफिल का भी अहतमाम होता था, शव्वाल के रोज़ों का अहतमाम होता था। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली रोज़ों के बारे में हमें बताया, वो उसका अहतमाम किया करते थे। तो वो इसकी आदी थी, यूज़ टू थी। फिर क्या हुआ, जैसे उस ज़माने का दस्तूर था कि ग़ुलाम और कनीज़ें बिका करते थे, तो अब क्या हुआ कि वो किसी और के घर में आ गई। अब जिस घर में आई वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं था। कौन सी दौलत आपके ख्याल में कम थी? तकवे की दौलत। जी हाँ, वहाँ तकवे की दौलत कम थी। तो जब कोई हायर लिविंग स्टैंडर्ड से लोअर लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ आता है, मियारी ज़िंदगी कम होता है, तो लाजमी तौर पर इंसान को घबराहट होती है। वो कुछ चीज़ों का आदि होता है, उनको फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है। जब वो चीज़ें उसको नहीं मिलती तो घबरा जाता है। तो ये कनीज़ भी घबरा गई जब ये इस तरह आई कि उसको लगा कि यहाँ तो वो तकवे का लेवल नहीं है, तो बहुत परेशान हुई और अपने नए मालिकों से कहा कि मुझको वापस भेज दें। और कहने लगी कि ऐसा लगता है इस घर में आके मुझको जैसे आपके यहाँ तो रमज़ान साल में सिर्फ एक ही दफ़ा आता है। ये गुर्बत का हाल है आपके यहाँ, ये तकवे की गुर्बत है कि लगता है कि रमज़ान साल में एक ही दफ़ा आ रहा है, उसी का बस अहतमाम हो रहा है और बाकी साल तो लगता है कि जैसे खाली है। जब ये किस्से हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कोई फेरी टेल्स हैं जैसे, लेकिन नहीं। अगर आज भी हमारे अंदर वो मोटिवेशन पैदा हो जाए, वो शौक़ पैदा हो जाए, वो हम उस ज़रूरत का एहसास कर लें कि हमको कितनी ज़रूरत है इन इबादात की, तो इंशाल्लाह ताला फिर आज भी बहैसियत उम्मत हम ऐसे हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, ज़रूर हो सकते हैं, हम भी ऐसे आमाल करने लग जाएंगे। तो वो क्या मोटिवेशन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं? वो जो मोटिवेशन उनमें था उसको कुरान ने एक नाम दिया है, तकवे का। वो मुत्तकी थे, उनके अंदर तकवा था। आज सबसे ज़्यादा हम मुसलमान जिस चीज़ के मोहताज हैं वो तकवा है। हम कहते रहते हैं नमाज़ पढ़ो, लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर बहसें होती हैं। हम पूछते हैं अपने बच्चों से तुमने कुरान पढ़ा, वो कहते हैं टाइम नहीं मिला, फिर उसमें क्लैश होता है, फिर बदमजगियाँ होती हैं, उसके बाद फिर मायूसी आती है लोगों में, ख़ासतौर पर जो तबलीग कर रहे हैं दीन की। वो कहते हैं कोई नहीं बदलता, कोई नहीं ठीक होता, कोई नमाज नहीं पढ़ता, किसी को अल्लाह याद नहीं आ रहा। तो सोचें ना, क्यों, वाई, क्या चीज़ है कि जो उनको अमल नहीं करने दे रही, व्हाट इज़ मिसिंग। मिसाल के तौर पे हम किसी से कहते हैं ये ग्लास पकड़ो और वो ग्लास पकड़ता ही नहीं। हम बार बार कह रहे हैं ग्लास पकड़ो, वो ग्लास नहीं पकड़ता। तो आप देखिए ना, क्यों नहीं पकड़ता? हो सकता है उसके हाथ ही ना हो, हमें नज़र नहीं आ रहा। हम फलां से कह रहे हैं वो देखो ईद का चांद, या चलो ईद का चांद तो रहने दें, हम कहें वो देखो चौदहवीं का चांद, फुल मून है। वो कहते नहीं मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। फिर हम खफा हों, हम इरीटेट हों, हम फ्रस्ट्रेट हों, हम कहीं क्यों नहीं नज़र आ रहा, वो रहा सामने, भाई क्या पता उसकी आँखें ही ना हो तो कैसे देखेगा। तो हम जो कहते रहते हैं नमाज़ पढ़ो, वो नहीं पढ़ते। हम कहते हैं रोज़े रखो, वो कहते हैं अच्छा बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत बिज़ी हैं, यूँ करना है नहीं कर सकते, बहुत लंबे हैं रोज़े, तो क्यों नहीं कर रहे? मजबूरी समझें, तकवा नहीं है। तो सबसे पहले तो दुआ तकवे की करें, सबसे पहले कोशिश इसकी करें। सबसे ज़्यादा आज जिसके हम मोहताज हैं इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, इंडिविजुअली कलेक्टिवली, वो तकवे के मोहताज हैं हम। अब ये तकवा क्या चीज़ है, हमने बात की ना कि मोटिवेशन है, दरअसल एक माइंड सेट है, एक जहन का सांचा है, ये एक दरअसल थॉट प्रोसीजर है, थॉट प्रोसेस है, सोचने का अंदाज़ है कि मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, मुझे आखिरत में कामयाब होना है, मुझको अल्लाह की नज़र में बहुत अच्छा बनना है। इसको दिल के अंदर खुबा लेना है कि दिल के ऊपर ही लिख लिया जाए कि मुझे तो अपने रब को राज़ी करना ही करना है, मुझको तो जन्नत का मामूली दर्जा भी नहीं चाहिए, मुझको तो आला तरीन दर्जा चाहिए। बेर मिनिमम पे मैं बात नहीं कर रहा, मुझे बेर मिनिमम नहीं चाहिए। 33% एक ज़माने में होता था पासिंग परसेंटेज, नहीं, डिस्टिंक्शन चाहिए, साबिकून साबिकून बनना है मुझको, तो
ये जो बच्चों में कंपटीशन होता है, खाली बच्चों में क्यों, बड़ों में, कोई इस बात पे राज़ी नहीं होता कि अच्छा मुझको एवरेज तनख्वाह मिल रही है, नहीं उनको एक्स्ट्रा बोनस चाहिए, नहीं उनको एक्स्ट्रा तरक्की चाहिए, उनको बॉस की नज़र में बहुत अच्छा लगना है, वो चाहते हैं कि मीटिंग्स हों, कॉन्फ्रेंसेस हों तो मेरी तारीफ़ हो, मुझको नुमाया किया जाए, मुझे कोई डिस्टिंग्विशिंग पोजिशन मिले। ये है दरअसल तक्वा, कब, जब आप इसको आखिरत से रिलेट कर लें, जब अल्लाह से रिलेट कर लें इसको। तो दरअसल ये दिल और दिमाग का समझें कि एक सांचा है, एक सोचने का अंदाज है कि हर काम करते हुए इंसान सोच ले कि क्या अल्लाह इससे राज़ी है, मेरे कितने नंबर बने, मेरे आमाल नामे के अंदर कितनी नेकियां लिखी गई और कितनी ये नेकियां मेरी किससे कितनी मल्टीप्लाई हुई। अच्छा रमज़ान आ गया तो एक नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलेगा, वेरी गुड, मैं तो ज़्यादा नफलें पढ़ने का एहतमाम करूँ। अच्छा एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर मिलेगा, मेरा स्टॉक ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो तो फ़र्ज़ छोड़ने का सोच ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी जो तकवा है, दौलत तो बहुत बड़ी है, हमने बात की कि बहुत बड़ी दौलत है तकवे की दौलत, लेकिन किसी दुकान से बाज़ार से ख़रीदी नहीं जा सकती, विरासत में इनहेरिट नहीं की जा सकती, ना उधार ले सकते हैं। समझे, मिसाल इसकी ये है कि आपको जूस पीना है, एक गिलास जूस चाहिए, उसके लिए कितना फल, कितने ऑरेंजेस चाहिए होंगे या कितने एप्पल्स चाहिए होंगे या कितने अंगूर चाहिए होंगे, तब कहीं जाके एक गिलास उसमें से रस निकलेगा। तो बिल्कुल मामला तकवे का यही है कि बहुत सारे आमाल करेंगे तो कतरा कतरा उसमें से तकवा जमा होगा। 5 नमाज़ें रोज़ पढ़ेंगे, क्या पता इतना सा 2 बूंदें तकवा उसमें से निकल कर आ जाए। और किसी ने कहा है कि जिसको नमाज में अल्लाह याद नहीं आता तो नमाज के बाहर क्या याद आएगा। तो सिर्फ नमाज़ें पढ़नी नहीं है, अभी तो हम इसी लेवल पर स्ट्रगल कर रहे हैं कि भई नमाज पढ़ तो लो कम अज़ कम, अभी तो क्वालिटी की बात ही नहीं है, अभी तो सिर्फ क्वान्टिटी की बात कर रहे हैं कि कम अज़ कम वो तुम फिगर तो पूरा कर दो। हम एक दूसरे को यही मोटिवेट अभी तो करें कि भाई 5 तो पढ़ो, क्वांटिटी की ही बात करें, अभी सिर्फ इस्लाम ही बात करें, इस्लाम पुख्ता हो जाएगा, इताअत की आदत पक्की हो जाएगी, पक्के मुस्लिम हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर आगे मोमिन भी हो जाएंगे, आगे मुखलिस भी बन जाएंगे अल्लाह ने चाहा, पक्के आबिद भी बन जाएंगे अल्लाह ने चाहा। तो बात यह है कि ये कतरा कतरा इसी तरह से तकवा जमा किया जाता है मुख्तलिफ़ रोज़मर्रा की इबादात के ज़रिए से। अल्लाह का एहसास इंसान रखता है अपनी नमाज में, तो जब जानमाज से उठता है, हालत नमाज से बाहर आता है, तो तकवा लेकर आता है। हालत नमाज जो है वो इंसान की तो दायमी नहीं रहती, लेकिन जो कैफियत है नमाज की, हकीकत में नमाज अगर नमाज है, जैसे कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया था कि अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मूसा नमाज कायम कर मेरी याद के लिए। तो याद का मामला तो हम जानते हैं कि जज्बात के साथ अटैच है, तो यानी कि जज्बाती नमाज होनी चाहिए हमारी, मैकेनिकल नहीं। और जज्बात का हम जानते हैं कि जज्बात मशीन की तरह नहीं होते, मशीन का स्विच ऑफ कर दिया इंस्टेंटेनियसली रुक जाती है, तो मैकेनिकल नमाज नहीं। मैकेनिकल नमाज अगर होगी तो बस इंस्टेंटेनियसली जब सलाम फेरा बस उसका असर ख़त्म, एंड। लेकिन इमोशनल नमाज अगर होगी, और जज्बात का जहाँ तक मामला है, हम जज्बात के बारे में जानते हैं कि वो बहुत देर उसका असर रहता है। हम एक जज्बाती सूरत हाल में होते हैं, वो जज्बात हमारे हवास पर मुसल्लत हो जाते हैं, हम जज्बात के थ्रू सोचते रहते हैं। और किसी ने कहा है कि इंसान लॉजिकल बींग नहीं है, इंसान इमोशनल बींग है। तो अपनी नमाज़ों को अल्लाह करे कि हम इमोशनल बना सकें, हम उनको एक्टिव नमाज़ें बना सकें जो हमारे मामलात पर असरअंदाज हों। अभी जो जानमाज पर अल्लाह के आगे खड़ा होकर गड़गड़ा रहा था और वो कह रहा था अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, और जज्बात के साथ कह रहा था, कैसे हो सकता है कि वो सलाम फिरते ही, और सलाम उसने फेरा, उसको पता है कि फ़रिश्ते मेरे आमाल नामे पर तायुन, अल्लाह ताला ने उनको मुतायन किया हुआ है, मेरे आमाल वो लिख रहे हैं, कैसे हो सकता है कि इस एहसास के साथ सलाम फिरते ही फिर वो किसी को धोखा दे, फिर वो झूठ बोले, फिर वो मिलावट करे,
फिर वो हक मार ले किसी का, फिर वो ताना देना शुरू कर दे, नहीं हो सकता। तो ये तकवा जो होगा ये मामलात तक भी चलेगा। अब ये जो हमने बात की, सुनने में तो बहुत आसान है तकवे की एक्सरसाइज, लेकिन ये करने में इतनी आसान नहीं, इसलिए कि तकवे की आदत डालनी होती है। ये इंस्टेंटेनियसली नहीं आता, आजकल तो इंस्टेंट का ज़माना है ना, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट कनेक्शन, हर चीज़ हमको तेज से तेज तर चाहिए। नहीं, तकवा आता है, हमने जैसे जूस की बात की थी, बूंद बूंद, एक एक बूंद करके ये जमा किया जाता है। शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया कि इन्ना माल उसरी उसरा, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है इंशाल्लाह ताला। जैसे आदतें पड़ती हैं, और जब बुरी आदतें पड़ती हैं तो अच्छी आदतें भी पड़ सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं इसके अंदर, बस थोड़े से सब्र की और ज़रा प्रिजर्वियरेंस की ज़रूरत है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ स्टेडफास्ट रहकर अपनी इबादत पे, जो डेली इबादत हैं ख़ास तौर पे नमाज, उन पर फोकस करें और दुआ ज़रूर करें, अल्लाह ताला से मांगें। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला बड़ा बाहया है, अल्लाह ताला को हया आती है। किस बात से हया आती है? कि कोई शख्स अल्लाह के आगे दोनों हाथ उठाए और अल्लाह उसके हाथों को खाली लौटा दे, अल्लाह को हया आती है, इसलिए कि वो बड़ा करीम है। रब्बुकल अकरम, तेरा रब बड़ा करम वाला है। तो मांगे अल्लाह ताला से कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा, ए मेरे रब मेरे नफ्स को उसका तकवा अता फरमा। व ज़क्कीहा, और अल्लाह मेरे नफ्स को पाक कर दे। अंत खैरु मन ज़क्काहा, अल्लाह तो बेहतरीन है जो कि उसको पाक करे। और क्यों? इसलिए कि अंत वलीयुहा व मौलाहा, अल्लाह तू ही तो मेरे नफ्स का वली है, अल्लाह तू ही तो मेरे नफ्स का मौला है, अल्लाह तूने ही तो मुझको बनाया, तू ही तो मेरा रब है। तो मांगे अल्लाह से कि अल्लाह मैं तेरी तख्लीक हूँ, अल्लाह अपनी तख्लीक को तू ही पाक कर दे। तो अल्लाह कैसे हो सकता है कि अल्लाह हमारा वली ना हो और अल्लाह हमारी मदद ना करे? ज़रूर मदद करेगा, पूरी यकीन के साथ, खाली उम्मीद के साथ नहीं, यकीन के साथ, पूरी यकीन के साथ दुआ करें कि मैंने दुआ मांगी है और मेरे रब ने सुनी है और मेरे रब ने कबूल कर ली। और दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी अस्अलुकल हुदा, अल्लाह मैं तुझसे हिदायत का सवाल करता हूँ या करती हूँ। चूँकि हम ये मसनून दुआओं की बात करते हैं तो हम फिर मैस्कुलिन जेंडर उसमें इस्तेमाल करते हैं, मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हमको ये दुआ सिखाई थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ हिदायत का, वत्तुका और तकवे का, वल अफाफ और अल्लाह पाक दामनी का, वल गिना और अल्लाह लोगों से बेनियाजी का, कि अल्लाह मुझे किसी मखलूक का मोहताज ना कर। तो सबसे पहले क्या मांगा गया? हिदायत के साथ तकवा। और कुरान में भी आप देखें कि मसनून दुआओं में और कुरान में इतनी मुनासिबत है कि यहाँ खुदा और तुका का जिक्र है, और हम सूरह बकरा पढ़ते हैं तो क्या आता है वहाँ पर? हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान में हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो ये तो दरअसल तकवा हासिल करने का एक सिंपल सा हमने तरीक़ा डिस्कस किया है यहाँ पर। ख़ुद भी इंशाल्लाह ताला हम आज से, एज़ ऑफ़ नाउ, एज़ ऑफ़ टुडे, हम इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें और घर वालों को नसीहत करें, बताएं उनको। अच्छा, जब बताएंगे तो क्या होगा? जैसे हमने कहा कि आओ बच्चों तुम्हें तकवा सिखाएं, क्या ख्याल है आपका? सब आकर बैठ जाएंगे और सब बहुत खुश होंगे और शुक्रिया अदा करेंगे? नहीं, तैयार रहें कि रिलक्टेंस होगी, हो सकता है कि थोड़ी बेजारी का इजहार करें, हो सकता है कि वो बहानेबाजियाँ करें, लेकिन आप बताएं, उनको बिठा कर दुआ पढ़वा दें, चाहे वो मांगी नहीं है उन्होंने, पढ़वा तो दें कम से कम लिप सर्विस ही सही। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा लतीफ़ है, अल्लाह बड़ा शकूर है। हो सकता है कि बग़ैर जज्बे के वो सिर्फ ये होंठों का हिलना भी कबूल फरमा ले। तो अल्लाह के शान वहाबी को हम अंडर एस्टिमेट ना किया करें। हो सकता है कि घर वाले आएँ, बेजारी से आएँ, सेल फोन पर मैसेजेस पढ़ते हुए आएँ, आंखें रोल करते हुए आएँ, सर खुजाते हुए आएँ, आ जाएँ और आप उनको पढ़वा दें और ज़रा नमाज के बारे में थोड़ा सा मुहतात कर दें। इंशाल्लाह ताला जो चीज़ ज़बान पर एक दफ़ा आएगी, अल्लाह ने चाहा तो फिर वो दिल में भी उतर जाएगी। आखिर खाना भी तो पहले ज़बान तक आता है ना, फिर पेट में जाता है कि नहीं जाता, फिर जिस्म का हिस्सा बनता है कि नहीं बनता। हम कहें कि नहीं डायरेक्ट पेट में उंडेलूँगी मैं तो खाना, तो ये तो नहीं होगा। कम अज़ कम ज़बानों पर अल्लाह का ज़िक्र आने दें, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का एहसास दिल में भी उतर जाएगा, तकवा हासिल हो जाएगा।
अच्छा, अभी तकवे की तो हमने इतनी बात कर ली, अब बात सारी ये है कि आपको ये पूछे कि भैया तकवे का क्या फ़ायदा। फिर यही सवाल आ गया कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, मैं क्यों तकवा इख्तियार करूँ। तो तकवे के फ़ायदे बहुत हैं, दीन के भी फ़ायदे हैं और दुनिया में भी फ़ायदे मिलेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया है वमन यत्तकिल्ला वमन यत्तकिल्ला, और जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा यजअल लहू मखरजा, हर मुश्किल से निकलने का अल्लाह रास्ता बना देगा, चाहे वो दीन की मुश्किल हो या वो दुनिया की कोई मुश्किल हो। कोई इशू, कोई परेशानी, कोई कंस्ट्रिक्शन, कोई रुकावट, तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हारी रुकावट दूर कर देगा। क्या अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से नहीं निकाला? क्या अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से नहीं निकाला? कौन सा ज़रिया था, कौन सी हेल्प थी, क्या सबब था? कुछ भी तो नहीं सिवाय तकवे के। क्या गार सौर से अल्लाह ताला ने अपने रसूल को निकाल कर मदीना नहीं पहुँचाया? क्या अपने रसूल की हिफाज़त अल्लाह ताला ने नहीं करी? तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देगा। क्या अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर नहीं फाड़ दिया? क्या बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने मन और सलवा नहीं बरसा दिया? वरना तो सारे रेगिस्तान में मर जाते। तो ये जिस रब ने वो सारे काम करे, वो मेरा भी तो रब है। जब उनकी अल्लाह मदद कर सकता है, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल सकता है और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल सकता है, तो क्या अल्लाह मेरी मुश्किलात दूर नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? बस तकवे की ज़रूरत है। वो मैयत तकिल्ला, जो तकवा इख्तियार करेगा या जअल्लहु मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देगा, मखरज बना देगा, निकलने का रास्ता बना देगा। और वयरज़ुकु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से अल्लाह उसको रिज़्क देगा जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया था। अच्छा चलो ठीक है, इसके अलावा और कोई फ़ायदा? जी हाँ, फरमाया वमन यत्तकिल्ला, और जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह का तकवा यानी अल्लाह की मोहब्बत इख्तियार करेगा, अल्लाह का खौफ इख्तियार करेगा, उसके मामले में अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा देगा। जो तकवा इख्तियार करे अल्लाह उसके मामले में आसानियाँ फरमा देता है। अच्छा कोई और फ़ायदा? जी हाँ, और भी फ़ायदा है तकवे का। वमन यत्तकिल्ला, और जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे युकफ़िर अनहु सय्यिआतिही, अल्लाह उसकी बुराइयाँ दूर कर देगा, उससे बुरी आदतें जो हैं दामन किरदार से धो देगा, बुरे आमाल जो है वो नामाए आमाल से धो देगा, पकड़ नहीं होगी, रुसवाई नहीं होगी। ना सिर्फ ये, हमारा मामला क्या होता है, हम किसी को माफ़ अगर कर दें तो कर दें, उसके बाद हम ज़्यादा पसंद नहीं करते उस इंसान को, हम ज़्यादा इज्जत नहीं करते उसकी, बल्कि माफ़ करने के बाद भी हमारी नज़रों से वो गिरा हुआ ही रहता है दिल के अंदर। अल्लाह का मामला ऐसा नहीं। ना सिर्फ तकवे की वजह से अल्लाह ताला बुराइयां दूर कर देगा, बल्कि क्या करेगा, वयुअज़्ज़िम लहू अजरा, अल्लाह उसको बड़ा अजर देगा, उसका अजर और बढ़ा देगा। ये हैं तकवे के फ़ायदे। और बहुत बड़ा फ़ायदा, ये तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिनका के ताल्लुक दुनिया से भी है, लेकिन दुनिया कितनी है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई समंदर के अंदर उंगली डाले और निकाल ले, और जितना पानी उंगली पर लगा हुआ है वो दुनिया की ज़िंदगी है, और बाकी समंदर आखिरत, इटर्निटी, खालिदीन फीहा अबदा। हम पढ़ते हैं कुरान में, हमको क्या तसव्वुर आ सकता है इटर्निटी का? हमने तो एक सिंबल देखा है बस, वो जैसे हॉरिजॉन्टल 8 होता है, दैट्स इट। उसके अलावा तो हमको कोई अंदाज़ा नहीं कि इटर्निटी होती क्या चीज़ है, हम फादम नहीं कर सकते, हम समझ नहीं सकते उस चीज़ को। उसके मुकाबले में ये दुनिया की ज़िंदगी है, उसमें भी बड़े फ़ायदे हैं। चलो अब वो जो आने वाली ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी, जिसमें कि हमें जन्नत ख़रीदनी है, जिसमें हमको आला दर्जे ख़रीदने हैं, उसके लिए करेंसी क्या है? करेंसी उसके लिए भी नेकियां हैं, नेक आमाल, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, सच बोलना, लोगों के काम करना, वालदैन की खिदमत करना, बीमारों को पूछना, वगैरह वगैरह। अभी जो नेकियाँ हैं, क्या हर नेकी कबूल हो जाती है? कोई नमाज़ पढ़ रहा है और सिर्फ दिखावे की नमाज़ पढ़ रहा है, तो क्या उसकी नमाज़ अल्लाह के यहाँ कबूल होगी? नहीं। कोई चैरिटी करता है, सिर्फ इसलिए चैरिटी करता है
कि उसकी तारीफ हो और उसका उसकी वाह वाह हो लोगों में, तो लोगों में तो हो सकता है वाह वाह हो जाए कि अल्लाह के यहाँ कबूल होगा उसका ये नेक काम, नहीं होगा, अच्छा काम तो होगा, वो नेकी शुमार नहीं किया जाएगा अल्लाह की नज़र में। और ये बात तारीख़ इंसानियत के आगाज़ ही से हमें बता दी गई है कि देखो आमाल की कबूलियत का दारो मदार तकवे के ऊपर है। अच्छा कहाँ है ये क़िस्सा? सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का क़िस्सा बयान फरमाया है कि दोनों ने क़ुरबानी पेश करी अल्लाह के लिए, दोनों ने क़ुरबानी करी, और ज़ाहिर हम जानते हैं कि क़ुरबानी करना नेकी है, अच्छा काम है। अब दोनों ने नेकी करी अपनी तरफ से, एक की कबूल हुई और दूसरे की कबूल नहीं हुई, तो क्या मसला हुआ उसके अंदर? तो उसने पूछा एक ने दूसरे से, तो जिसकी क़ुरबानी कबूल हो गई थी उसने अपने दूसरे भाई को जवाब दिया कि देखो, और ये सूरह मायदा की आयत है आयत नंबर 27, उसने अपने भाई से कहा इन्नमा यतक़ब्बलल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कि अल्लाह ताला तो बस सिर्फ मुत्तकियों ही से आमाल कबूल करता है। तो अगर तक्वा होगा तो नेकियां कबूल होंगी, अच्छा अमल नेकी बनेगा, तक्वा नहीं होगा तो कोई काम कबूल नहीं होगा। तो तक्वा क्या है? ये डोर ओपनर है, ये दरअसल वो पासवर्ड है कि डालेंगे तो अकाउंट खुलेगा हमारा, इसके बग़ैर कुछ भी करते रहें तो वो अमल कबूल नहीं होगा, थकना भी होगा। आमिलतुन नासिबा, कि थके भी अमल भी करें लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, कबूल ही ना हुए अल्लाह के। अल्लाह ताला हमें ऐसी बदबख्ती और ऐसी महरूमी से अपनी पनाह में रखे, अल्लाह ताला हम सबको तक्वे की दौलत से नवाजे। और ये तक्वा जो है, ये माँ का तक्वा अगर है तो पेट के बच्चे को भी फ़ायदा देगा, दुनियावी ज़िंदगी के भी फ़ायदे हैं तक्वे में, कब्र में भी तक्वा फ़ायदा देगा, हशर के मैदान में भी तक्वा फ़ायदा देगा, और तक्वा ही जन्नत के आला दर्जे दिलवाएगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपेनियंस हमको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, नबीन, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन, वहसुना उलाइका रफीका, उनकी रफाकत हमको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर क्या है, अब अगर कोई ज़िंदगी को नेविगेट करना चाहता है और वो अपनी मंजिल पाना चाहता है, इस तरह ज़िंदगी का सफ़र तय करना चाहता है कि उसकी आखिरी मंजिल अल्लाह की रज़ा और जन्नत हो, तो उसको तो फिर रोड मैप चाहिए ना, उसको तो हिदायत चाहिए, और वो कहीं है ही नहीं, किसी गूगल पे नहीं मिलेगी, कोई GPS नहीं हमारे पास सिवाय कुरान के। तो जो कुरान को अप्रोच करना चाहता है, जो कुरान को दोस्त बनाना चाहता है, जो कुरान को एक्सेस करना चाहता है, तो इसे हिदायत हासिल करना चाहता है, तो तक्वा तो हासिल करना होगा। तक्वे के बग़ैर कुरान हमको समझ में नहीं आएगा, अल्लाह ने तो क्लियर कह दिया है सूरह बकरा में कि ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें तो हिदायत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए। तो जब तक्वे के इतने फ़ायदे हैं तो उसको हासिल करने के लिए हम ज़रूर बिल ज़रूर रोज़े से फ़ायदा उठाएं। जैसे अभी तिलावत में हमने सुना कि अल्लाह ताला ने क्यों तुम पे ए ईमान वालों रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक्वा इख्तियार करो। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें कि कुरान नाजिल किया गया, हुदल लिन्नास, इंसानों के लिए हिदायत है, व बय्यिनातिन मिनल हुदा, और रोशन दलाइल हिदायत के, वल फुरक़ान, और हक और बातिल में फ़र्क करने का मियार, क्राइटेरियन इस किताब में दे दिया गया है। तो कुरान और रोज़े में कोई मुमासलत हमें महसूस होती है? जी हाँ बिल्कुल है। जब कुरान नाजिल हो रहा था तो आसमानों पर पहरे लग गए थे, शैतानों को दूर कर दिया गया था। सूरह शोरा में अल्लाह ताला ने मज़मून वजाहत से बयान किया है कि जब कुरान का नुज़ूल हो रहा था तो शैतान तो इसको सुनने से भी कासिर थे, वो सुन भी नहीं सकते थे इसको। तो जो शान कुरान के नुज़ूल की थी वही शान हर साल रमज़ान के अंदर भी हम महसूस करते हैं। आगे इंशाल्लाह हदीस हम देखेंगे कि रमज़ान वो महीना है जिसमें शैतानों को क़ैद कर दिया जाता है, सुलसिलत शयातीन, शैतानों को जंजीरें डाल दी जाती हैं, उतनी आसानी से इंसानों को बहका वरगला नहीं सकते, इल्ला ये कि इंसान ख़ुद अपने नफ्स
के वरगलाने की वजह से खुद ही शैतान बन गया हो, तो वो अगर एक कोई इनबिल्ट शैतान है, कोई रेसिडेंट शैतान है, वो और बात है, लेकिन जो एक्सटर्नल शयातीन है वो अल्लाह ताला इंसानों से उनको दूर कर देता है। तो पूरा महीना अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया हमारे लिए जिसमें कि हम रोज़े रखें और गॉड कॉन्शियस होकर ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह का एहसास रखें कि अल्लाह देख रहा है। ये बात भी हम जहन में रखें कि जिस हालत में हम 29 या 30 शाबान को होंगे, 29th या 30th शाबान को, जो हमारी कैफियत, हमारा माइंडसेट, हमारी प्रायोरिटी, सोचने का अंदाज़ होगा, तो पहली रमज़ान आते ही कोई 180 डिग्रीज़ का डिफरेंस नहीं है पैदा हो जाएगा, कोई अबाउट टर्न नहीं हो जाएगा एकदम से कि 29 शाबान को तो फासिक और फाजिर और बेनमाजी था और पहली रमज़ान को एकदम मुत्तकी हो गया। इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, कोई अल्लाह ताला की रहमत से बईद नहीं। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हम जब पढ़ते हैं और जादूगरों का किस्सा उसमें पढ़ते हैं, तो वो तो इंस्टेंटेनियस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था उनका। सुबह के वक्त में तो वो सबसे बड़े दुश्मन थे मूसा अलैहिस्सलाम के, और जब दिन ख़त्म हुआ उसी दिन के इख्तिताम तक तो वो बड़े वलीउल्लाह बन चुके थे। फिरौन से कह दिया था कि तू जो मर्ज़ी हमको टॉर्चर कर, हम तो हरगिज़ इस दावत से दूर होने वाले फिरने वाले नहीं हैं, तो अल्लाह की शान से कोई बईद नहीं। हम तो कॉमन रूल कह रहे हैं कि इंसान आम तौर पे इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफॉर्म नहीं होते। तो लिहाजा अभी कुछ दिन बाकी हैं रमज़ान में, अभी से हम रिहर्सल शुरू कर दें कि जब पहला रमज़ान होगा तो हमें क्या करना है। याद है हमने वो मिसाल डिस्कस की थी कुछ बुज़ुर्गों की कि वो पहले ही तैयार होते थे, मुस्तैद होते थे, ऑन योर मार्क्स गेट सेट, बस गो के इंतज़ार में। तो हम भी कम अज़ कम पहली रमज़ान से पहले अपने आप को मुस्तैद कर लें, हम अपने आप को अलर्ट कर लें, ताकि जैसे ही रमज़ान का महीना दाखिल हो हम नेकियों की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश करें और उसे मैक्सिमम हम इंशाल्लाह ताला बेनिफिट हासिल करें। तो लिस्ट्स बनानी है हमें, एक टू डू लिस्ट बनाएं कि क्या करना है मुझे। इंसान को देखिए ऑर्गेनाइज होना बड़ा ज़रूरी होता है, उससे बड़ी मदद मिलती है। कोई मेंटल नोट कर लें या लिख लें किसी कॉपी में, और एक टू डू लिस्ट बनाएं और एक नॉट टू डू लिस्ट बनाएं, दोनों इंशाल्लाह ताला हमको लिस्ट्स बनानी है। अच्छा, क्या करना है और क्या नहीं करना, यूँ तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अगर हम कुरान ही से मदद लें तो सूरह मोमिनून की जो इब्तदाई आयात हैं इंशाल्लाह ताला वो समझें कि हमको एक रमज़ान का मुकम्मल प्लान दे रही हैं। बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने वहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हमको दिया कि फलाह पाने वाले मुत्तकी देखो कैसे होते हैं। तो सूरह मोमिनून शुरू होती है क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन फलाह पा ली मोमिनों ने, पास्ट टेंस, इट्स अ डन डील। तकवा जिसको मिल गया वही तो मोमिन होता है, तो उनको तो बस कॉम्प्रिहेंसिव सक्सेस मिल गई। कैसे मिलेगी, क्या प्रोग्राम होगा उसका? नंबर वन टॉप प्रायोरिटी क्या, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। देखिए अभी हमने क्या बात की थी कि अभी हम सिर्फ गिनती पूरी करें, क्वांटिटी, 5 times नमाज ऑन टाइम एवरी टाइम, कम अज़ कम इसकी आदत डालें, ठीक है, काउंट पूरा करें पहले, कम अज़ कम एक हम फॉर्मेलिटी पूरी करें, उसके बाद उसके अंदर जज्बात का रंग भरें, फिर उसको इमोशनल नमाज बनाएं, पहले मैकेनिकल बना ही लें, मैकेनिकल की तो आदत डाल लें कम अज़ कम। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर हम इस वक्त देखें कि 1.6 billion कहते हैं मुसलमान हैं, चलिए प्लस माइनस थोड़े से, कितने हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ते होंगे, मतलब हम नाउज़ुबिल्ला कोई डिस्पॉन्डेंसी का शिकार नहीं होना चाह रहे, रियलिस्टिकली स्पीकिंग शायद 50% पढ़ते हों, बिकॉज ये भी रियलिस्टिक तो नहीं होगा, ये भी एक हम ज़रा ऑप्टिमिस्टिक व्यू दे रहे हैं कि चलो 50% नमाज पढ़ते होंगे 5 वक्त की, वरना मेरा ख्याल है शायद इससे भी कम पढ़ते होंगे। तो पहले मैकेनिकल, चलो तुम कम अज़ कम जा नमाज पर खड़े तो हो जाओ ना आकर, इतना तो करें, फिर उसके अंदर इंशाल्लाह जब एक दफ़ा मैकेनिकल हो जाएगी तो इमोशनल भी अल्लाह ने चाहा। और कौन सा इमोशन करना है, कौन सा रंग भरना है उसके अंदर, खशियत का रंग, कि खड़े हों तो एहसास हो कि अल्लाह के आगे खड़ा हूँ, मैं अल्लाह के आगे खड़ी हूँ। यानी अभी तक तो खाली आज़ा की नमाज थी, अब दिल भी शामिल हो गया उसके अंदर, नमाज में दिल लगाने की कोशिश, तो अभी से शुरू कर दें।
अब ये नहीं कहें कि अच्छा अभी तो काफ़ी दिन बाकी हैं तो देखेंगे, अब जो नेक्स्ट नमाज आ रही है चाहे वो फजर हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब या इशा, बस उसी नमाज को बेहतरीन करना है। और उससे भी ज़्यादा अच्छा तरीक़ा क्या कि जब अगर दिल पर असर हो रहा है अभी इसी वक्त हम उठकर और हम दो नफिल पढ़ लें वज़ू करके, उसमें दिल लगा लें और अल्लाह की रहमत तो देखें क्या मेरे रब की शान वहाबी है और क्या उसकी शुक्रगुजारी है और क्या उसकी कबूलियत की शान है कि हदीस में हम पढ़ते हैं कि जिस इंसान ने दो रकत नमाज पढ़ी, जस्ट टू रकत, दो रकत नमाज पढ़ी और इस तरह नमाज पढ़ी कि उसने अपने नफ्स से बातें नहीं करी, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अंदर साइलेंस था, खामोशी थी, दिल और दिमाग बातें नहीं कर रहे थे आपस में, इस खामोशी के साथ और लॉ अल्लाह से लॉ लगा के नमाज पढ़ी दो नफिल खाली, अल्लाह ताला उसके सब पिछले गुनाह बख्श देता है। ये मेरे रब की शान है। तो दो, जस्ट टू, सिर्फ दो का तकाजा, इंशाल्लाह ये दो देखें ये 2000 बन जाएंगे, फिर ये और भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, अब प्रैक्टिकल तरीक़ा क्या होगा खुशू हासिल करने का? प्रैक्टिकल तरीक़ा ये होगा कि अल्लाहु अकबर कह के हमने नमाज का आगाज़ किया, तकबीर तहरीमा जिसको कहते हैं, तो अल्लाह का तो कोई ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है ना, सबको पता है, क्या पता अकबर का मतलब ना आता हो किसी को, अल्लाह का तो मतलब आता है, तो उस पर कॉन्सनट्रेट कर लें, वहाँ पैक कर लें नमाज़ों को, जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम आता है, रब आता है, वहाँ पे तवज्जो को आके दोबारा से अटैच कर लें नमाज के साथ। अब हम कहते हैं सुभानकल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा आ गया, इसी तरह हम सूरह फातिहा शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह पर कॉन्सनट्रेट कर लें, रब, रब हम जानते हैं, अर्रहमान, अर्रहीम, ये तो सब जानते हैं कि अल्लाह के नाम है और ये अल्लाह का ज़िक्र है, फिर सुभाना रब्बी अल अज़ीम, रब्बी आ रहा है रुकू के अंदर, रब्बी के ऊपर पैक कर लें। तो ये तवक्को रखना कि नहीं पूरी नमाज में 100% कॉन्सनट्रेशन हो जाएगी जो कल तक नहीं थी एकदम से आ जाएगी, ये अनरियलिस्टिक है। तो रियलिस्टिक प्रैक्टिकल तरीक़ा इख्तियार करना है जिससे कि इंशाल्लाह हम खुशू हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह जब हम इस पर फोकस करेंगे तो हम देखेंगे कि इंशाल्लाह पूरी नमाज पे हमारा फोकस हो जाएगा। नफलों का भी थोड़ा अहतमाम करें और वुज़ू की हिफाजत करें, वक्त की हिफाजत करें। देखिए जल्दी जल्दी पढ़ने में खुशू नहीं आएगा, और पढ़नी तो है तो फिर क्यों डिले कर करके पढ़ें, वक्त पे पढ़ लें, अच्छी तरह से वुज़ू कर लें इंशाल्लाह ताला, फिर हम देखेंगे कि यकीनन यकीनन खुशू आएगा। ये कोई ख़ाशियून, ये कोई नामुमकिन क्वालिटी नहीं है, ये बिल्कुल अटेनेबल चीज़ है, ये हासिल कर सकते हैं हम इंशाल्लाह ताला। रमज़ान शुरू हो तो चले नमाजों को थोड़ा एक और लेवल पर लेकर जाएं। हम सहरी के लिए उठते हैं और सहरी ज़रूर करें, और फिर जब सहरी के लिए उठें तो मिनिमम दो नफिल पढ़ लें, तहज्जुद हो जाएगी इंशाल्लाह, और जितनी अल्लाह तौफीक दे हो सकता है फिर हम सुन्नत के हिसाब से ही क़यामुल लैल करने के आदि हो जाएं। फिर क़यामुल लैल का एहतमाम करें, चार पढ़ें, आठ पढ़ें, 20 पढ़ें, 50 पढ़ें, 100 पढ़ें, जितनी मर्ज़ी। अब इसमें हम बाल की खाल में ना जाएं कि आठ पढ़ें या 20 पढ़ें, आठ सही है कि 20 सही है, फतवों को रहने दें अभी, अभी तकवे की फ़िक्र करें, फतवा अलग है, तकवा अलग है, और तरावी वैसे भी नफिल नमाज है। असल बात क्या है कि इसमें क्वालिटी देखें कि दिल कितना लग रहा है मेरा, कितने शौक़ से हम इसको पढ़ रहे हैं, कितने शौक़ से एहतमाम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाम रमदान ईमानम व एहतसाबन गुफिर लहू मा तकद्दमा मिन ज़म्बिही, कि जो नमाज, जिसने के नमाज पढ़ी रमज़ान में, यानी क़ाम रमदान, जिसने क़ियामुल लैल किया रमज़ान में ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, क्लीन स्लेट। अगर दुनिया में किसी को इतना भी हम ऑप्शन दे दें कि अगर तुम क़ियामुल लैल कर लोगे तो तुम्हारा टैक्स माफ़ हो जाएगा, तो फिर आप देखें ज़रा हम कैसे दौड़ेंगे इसकी तरफ। तो ये तो सारे पिछले गुनाह हैं, वो सारा कर्ज़ा जो है पिछला, किसी ने करोड़ा करोड़ कर्ज़ लिया हुआ है उससे कहा जाए कि तुम क़ियामुल लैल करोगे तुम्हारा सारा कर्ज़ा पिछला मैं माफ़ कर दूँगा, इमेजिन करें लोगों का शुक्रगुजारी का क्या हाल होगा, वो शुक्रिया अदा कर करके नफलें पढ़ेंगे।
کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ کو یہ موقع دیا. اللہ گناہ معاف کرنے کی بات کر رہا ہے, یہ آگ سے نجات کی بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی معمولی اللہ کا کرم نہیں ہے کہ ہمارے چند ٹوٹے پھوٹے نوافل اس کی قیمت اللہ نے یہ رکھ دی کہ اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. پھر طاق راتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, تھوڑا تھوڑا سب راتوں کو آباد کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نوافل کا اہتمام کریں. عید کی نماز کا بھی خاص اہتمام کریں. خواتین ضرور کوشش کریں کہ وہ گھروں سے نکلیں اور جا کر جماعت کے ساتھ نماز کا, عید کی نماز کا اہتمام کریں. اور اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان ملک میں یا جہاں مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں وہاں ساری مسجدیں خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے بھی کھلیں کہ وہ وہاں جائیں اور عید کی نماز کا اہتمام کریں. اور جو عید کی نماز کا اہتمام ہے یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے کہ تمام عورتیں نکلیں اور وہ چل کے عیدگاہ میں جمع ہوں اور وہ مسلمانوں کا اجتماع دیکھیں اور وہ دعا میں شامل ہوں, اور اگر حالت پاکی میں ہے طہر میں ہے تو پھر وہ نماز میں بھی شامل ہوں. تو پہلی چیز کیا کہ نماز کا انشاءاللہ تعالی ہمیں حفاظت کرنی ہے, میکینیکل سے شروع کر کے ایموشنل کرنا ہے نماز کو. دوسری چیز کیا بتائی سورہ مومنون میں, والذین هم عن اللغو معرضون. مومن فلاح پانے والے جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ لغو چیزوں کو بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو عام زندگی میں تو کوشش کرنی ہے لیکن رمضان سے اگر ہم اس کا آغاز کریں تو زیادہ اہتمام کریں, بے مقصد بے فائدہ چیزوں میں حصہ نہ لیں, یوز لیس کام نہ کریں, ٹائم نہ ویسٹ کریں. یعنی انٹرٹینمنٹ کے نام پر جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کم سے کم ایٹ لیسٹ رمضان میں پاز کر دیں, ایٹ لیسٹ انٹرٹینمنٹ کے نام پر. مجھ کو اندازہ ہے کہ یہ معمولی تقاضا نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ آج دو ہی فکریں ہیں انسانوں کو, ایک کمانے کی فکر, ایک انٹرٹینمنٹ کی فکر. اور انٹرٹینمنٹ جس لیول پر چلا گیا, کوئی اگر کہے کہ بھئی ذرا ان چیزوں کو, یہ لغویات ہیں, ذرا ان سے تھوڑا سا پرہیز کرو, تو شاید بہت حیران ہو کے لوگ دیکھیں کہ اچھا پھر ہم کیا کریں. وہ لگتا ہے کہ جیسے ایک ایڈکشن ہو گیا ہے نا لوگوں کو ان چیزوں کا, تو لہٰذا تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی اس میں شک نہیں کہ یہ افسانے اور ڈرامے یہ لغو کے علاوہ ہیں کیا, جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم, ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے انشاءاللہ. تو اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے. تیسری چیز جو رمضان کا پروگرام ہے جو ہم سورہ مومنون کی ابتدائی آیات سے لے رہے ہیں, وہ تھرڈ چیز کیا ہے, والذین هم للزکاۃ فاعلون. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں. اب چونکہ فاعلون کا لفظ آیا ہے, ایتا کا لفظ نہیں آیا, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہیں آیا, زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں آیا ہے, تو اس سے علماء نے وہ 2.5% نہیں لیا بلکہ زکوٰۃ سے مراد یہاں تزکیہ لیا ہے. تو لہٰذا وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود طیب ہے اور اللہ کو پاک چیزیں ہی پسند ہیں. اچھا اگر ہم زکوٰۃ کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں تو چلیں اس کو ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں. چلیں پیسے ہی سے اس کا آغاز کرتے ہیں. پیسے کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ایتا زکوٰۃ کے معنوں میں اگر ہم لیں. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضانوں میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنی. کیوں نکالتے ہیں, رمضان ہی میں کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے, تو لہٰذا وہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. ہم بھی زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں, نکالیں اور لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں کہ میں نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کی ہے, میں زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہا ہوں یا ہم کر رہے ہیں. کیوں, ہم تو کہتے ہیں نیکیاں دکھانی نہیں چاہیے, نیکیاں بتانی نہیں چاہیے, لیکن فرض بتانے چاہیے تاکہ اگلوں کو بھی احساس ہو کہ اچھا ہم کو بھی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور رمضان میں ویسے بھی انسان صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کوئی گوشت ہے, کوئی پھل ہیں, کوئی دہی, جو بھی چیزیں افطار میں کھانے میں استعمال ہوتی ہیں ان کو ضرور ہم فیاضی کے ساتھ دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ تعالی. صدقہ فطر کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو علم ہوگا, یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم صدقہ فطر ایک سا ادا کیا کرتے تھے. ایک سا تقریباً 2.5 kg بنتا ہے, 2.5 kg. کیا دیتے تھے؟
ढाई किलो गल्ला या खजूर या जौ बार्ली या मुनक्का, मुनक्का समझते हैं ये ड्राइड किशमिश हुआ करती है, या पनीर चीज़। तो बड़ी वैरायटी देख रहे हैं इसके अंदर हम। जाहिर है अगर हम एक किलो ढाई किलो अगर हम गेहूं देना चाहते हैं वो कम पैसों का आएगा, और ढाई किलो अगर हम पनीर देना चाहते हैं या खजूर देना चाहते हैं तो वो ज़्यादा पैसों की आएगी। तो अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से देख लें। सदका फितर का तरीका ये होता है कि जो घर का सरबराह होता है, हेड ऑफ़ द फैमिली, वो हेड काउंट कर ले लिटरली घर में कितने लोग हैं, और फिर वो उनका सदका निकाल दे। अच्छा, हम ये समझते हैं कि सदका फितर खाली पैसे वाले देते हैं, नहीं, कम हो पैसा ज़्यादा हो, पूरा ढाई किलो निकाल सकें पर हेड के हिसाब से या ना निकाल सकें। अगर ढाई किलो नहीं निकाल सकता कोई, उसकी हैसियत इतनी नहीं है, तो बेशक वो एक किलो निकाल दे, बेशक आधा किलो निकाल दे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर दे। अपने हाथों से अमीर गरीब सब दें। और हम जानते हैं जो हदीस में मज़मून आता है कि सदका देने से बरकत आती है, सदका देने से पैसा कम नहीं होता। तो जिस्म की ज़कात क्या है? जिस्म की ज़कात खुद रोज़ा है। ऑटम में हम देखें दरख्तों पे से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और जब स्प्रिंग आती है तो कि नई ज़िंदगी, नई ताजगी, नई रौनक आ जाती है। जानवर हाइबरनेट करते हैं, वो जब निकलते हैं अपनी हाइबरनेशन से भूखे प्यासे, तो अल्लाह ताला उनको एक और तरह की ज़िंदगी दे देता है, और नई ताजगी के साथ वो दोबारा ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हैं। अक़ल की ज़कात, अक़ल की ज़कात क्या है? उलमा कहते हैं अक़ल की ज़कात गुस्से पर काबू पाना है। तो अपनी बुराइयों को कंट्रोल करके अपनी खूबियों को परवान चढ़ाने का ये बेहतरीन मौका है। जैसे कि हदीस में आता है, कोई शख्स आए और तुमसे लड़े तो तुम उसको बस इतनी बात कह देना, अना साइम, कि भाई मैं तो रोज़े से हूँ। यानी कि रिएक्शन की नफ्सियात से निकाल कर एक्शन का प्लान रोज़ा हमको दे रहा है। नॉर्मली हम जस्ट रिएक्ट कर रहे होते हैं, किसी ने कुछ कहा उसके रिएक्शन में हमने ये किया, किसी ने कुछ किया उसके रिएक्शन में हमने ये काम किया। तो रिएक्शन से निकल कर एक्शन, टेक कंट्रोल ऑफ योर एक्शंस, ये है जो कुरान हमें सिखा रहा है कि अपनी आदतों को रीअलाइन करने की ज़रूरत है। आई नीड टू बी इन कंट्रोल, मैं ड्राइविंग सीट में हूँ अपने जिस्म के बारे में। मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि उसने मुझको गुस्सा दिला दिया, उसने मुझसे ये करवा दिया, उसने ये कहा, ये कहा मुझको, उसने जो है इस तरह से उभारा तो मैं ये कह बैठी, नहीं। मेरी ज़बान मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी आँखें मेरी ज़िम्मेदारी है कि अच्छा वो फलां ये चीज़ बैठ देख रहा था तो मैं भी बस देखने के लिए बैठ गई, नहीं। मेरी आँखें मेरी ज़िम्मेदारी, मेरा दिमाग मेरी ज़िम्मेदारी, मेरे दिमाग के अंदर कोई ख्याल नहीं डालेगा, सिर्फ वो ख्याल आएगा जो मैं चाहूँगी, कोई इंडॉक्ट्रिनेट नहीं करेगा मुझको। तो ये दरअसल अपनी आदतों को रीअलाइन करने का भी ज़माना है। अखलाक का तस्किया करें, दिखावे से बचाएं। दिखावे ने बहुत ज़्यादा हमको परेशान किया है, और इस दिखावे की वजह से हम देखते हैं कि लोग कितने ज़्यादा दुखों में और मुश्किलों में गिरफ्तार हो गए हैं, कि खुदकशियों तक नौबत पहुँच गई है कंपेरिज़न की वजह से। और कंपैरिजन कहाँ होता है? जब लोग हर चीज़ का दिखावा करते हैं, अपनी फ़ोटोशॉप ज़िंदगियाँ दिखा रहे होते हैं दूसरों को। तो ये अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से निकाले कि हम दिखावे से बचें, ना खाने में दिखावा ना पहनने में। ज़रूर पहने, अल्लाह ने मना नहीं किया, ज़रूर खाएं, अल्लाह ने मना नहीं किया, दिखावे के लिए काम ना करें। फिर माल का तस्किया, माल का तस्किया ज़कात भी है, और तस्किया ये भी है कि इंसान पाक चीज़ खाए, सूअर नहीं खाए, मुर्दार ना खाए, बहता खून ना पिए। लेकिन जहाँ ग़िज़ा पाक खानी है वहाँ ग़िज़ा कमाने का तरीक़ा भी पाकीज़ा होना चाहिए, हलाल, हलाल कमाएं और हलाल चीज़ों में ख़र्च करें। उलमा यहाँ तक कहते हैं कि अगर घर का सरबरा नाऊज़ु बिल्ला कोई हराम ज़राए से कमा कर घर वालों को खिला रहा है तो ज़ाहिर घर वाले तो मजबूर हैं, वो क्या करें, बीवी है, बच्चे हैं, बूढ़े वालदैन हैं, वो तो जाके नहीं कमा सकते। लेकिन कम से कम रमज़ान में इतना सा अहतमाम कर लें कि कोई घर वाले हलाल तरीक़ा इख्तियार कर लें, और कुछ नहीं कुछ नहीं तो अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार से कुछ पैसे ले लें और उससे फिर रमज़ान का महीना उसमें ख़रीदारी करें, कम से कम खाने पीने की हद तक,
ताकि हलाल कमाई से घर में खाना आए, और दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला हमारी सात पुश्तों को हलाल खिलाए। हलाल और हया, इन दोनों का भी आपस में ताल्लुक़ है। फिर अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में फ़रमाया है कि वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, मोमिन वो होते हैं जो अपनी इज़्ज़त असमत शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी ज़िना नहीं करते, बदनज़री नहीं करते, बेहयाई के काम नहीं करते, इन कामों से दूर रहते हैं। तो कोशिश करें कि ज़बान से कोई गंदा लफ्ज़ ना निकले, कोशिश करें कि आँख किसी गलत जगह ना पड़े, कोशिश तो कर सकते हैं, कान कोई गलत चीज़ ना सुने। बुखारी में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ा रखकर झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को इस बात की कोई हाजत नहीं कि वो खाना पीना छोड़ दे। तो रोज़ा खाली पेट का रोज़ा नहीं है, आज़ा का भी रोज़ा होता है, और ये आज़ा ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे पास अमानत हैं, ये दरअसल मेरी ज़िम्मेदारी हैं। और इसी का अल्लाह ताला ने फिर ज़िक्र फरमाया है सूरह मोमिनून में, अगली आयत है कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, ये वो लोग हैं मुत्तकी जो कि अपनी अमानतों और अपने अहद की पाबंदी करते हैं। मेरी आँख, मेरा जिस्म, मेरे कान नहीं, अल्लाह ने दिए हैं, तो लिहाजा हम देने वाले की मर्ज़ी के मुताबिक इनको इस्तेमाल करें। फिर अगली आयत है वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, मोमिन वो हैं जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। अच्छा, हमने अभी बात की थी क़ुरान और रोज़े में मुमासलत, अब ये बताएं कि नमाज और रोज़े में मुमासलत है? कोई आपको चीज़ें कॉमन नज़र आती हैं नमाज में और रोज़े में? जी बिल्कुल है, नमाज तो पाँच वक्त का रोज़ा है और रोज़े से ज़्यादा सख्त है। क्या चीज़ें कॉमन हैं? रोज़े में खा नहीं सकते, नमाज में नहीं खा सकते, राइट? अच्छा, बल्कि रोज़ा हम कह रहे हैं कि रोज़े के मुकाबले में नमाज ज़्यादा सख्त है। रोज़े में एटलीस्ट बोल तो सकते हैं, नमाज में तो बोलने पर भी पाबंदी है। तो ये जो बात हमने अभी हदीस में सुनी कि जो रोज़ा रखकर झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को इस बात की हाजत नहीं कि खाना पीना छोड़ दे, तो ये नमाज़ों के अंदर प्रैक्टिस कराई जाती है कि हम अपनी ज़बान पर काबू रख सकते हैं, हम खामोश रह सकते हैं और अपनी ज़बान को ज़रा रोज़ा रखवाएं आम हालात में भी। हदीस में आता है मन समत नजा, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। तो ये भी इसमें मुमासलत है, सेल्फ़ कंट्रोल सिखाती है नमाज हमको, रोज़ा भी सेल्फ़ कंट्रोल सिखाता है। ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, यही तो होंगे वारिस। किस चीज़ के वारिस होंगे? अल्लज़ीना यरिसून अल-फिरदौस, जो फिरदौस पाएंगे विरासत में। अल्लाह ताला मुझको और आपको जन्नतुल फिरदौस में जगा दे, ये आला तरीन जन्नत है फिरदौस। हुम फीहा खालिदून, और उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला मुझको और आपको इन लोगों में शामिल फरमाए जिनमें कि ये खूबियाँ होती हैं। तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ हमको बता दिया, इतना कुछ हमको सिखा दिया, और रमज़ान का पूरा महीना अपनी रहमत से हमको तोहफे के तौर पे दे दिया कि इसमें हम खूब खूब तकवा हासिल कर लें और फिर साल भर इस तकवे को हम ताज़ा भी करते रहें। बुखारी और मुस्लिम ही में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना फिल जन्नति बाबन, यकीनन जन्नत में एक दरवाज़ा है, युकालू लहू रैयान, उसको रैयान कहते हैं, नाम है उसका बाबुर रैयान। कौन दाखिल होगा उसमें? यदखुलु मिन्हु सायमूना यौमल क़ियामा, रोज़ा रखने वाले रोज़दार उसमें दाखिल होंगे, उससे दाखिल होंगे क़ियामत के दिन। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, और उनके अलावा कोई और दाखिल नहीं होगा। दुआ करें अल्लाह ताला मेरा और आपका नाम बाबू रयान के ऊपर लिख दे इंशाल्लाह, और हमारी सात पुश्तों के अल्लाह ताला नाम लिख दे उसके ऊपर। तो रमज़ान की पहली ही रात अल्लाह ताला आसानी कर देता है, सरकश शयातीन, सरकश जिन बांध दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, कोई एक दरवाज़ा भी खुला नहीं छोड़ा जाता।
जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, कोई एक दरवाज़ा भी बंद नहीं रहने दिया जाता। और एक पुकारने वाला पुकारता है, ऐ भलाई के चाहने वाले आगे बढ़, ऐ शर के चाहने वाले रुक जा। और रमज़ान की हर रात अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। कसरत से दुआएं मांगें, जैसे भी हमने तलावत में सुना था, कुवैदा साला का इबादी अन्नी फ़िन्नी करीब उजीब उदा वतदाई इतादान, जब मेरे बंदे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मेरे बारे में पूछें तो बता दें उनको कि मैं तो करीब ही हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। तो कसरत से, कसरत से अल्लाह ताला से दुआएं करें, कुरान का खूब खूब अहतमाम करें, पूरा कुरान पढ़ें, कोशिश करें कि कवर टू कवर कुरान मुकम्मल करें इंशाल्लाह, और जितना वक्त लगा सकते हैं लगाएं, बाकी आराम करें। और इस नियत से सोएं कि ताकि फिर इबादत की ताकत हासिल हो, तो सोना भी इबादत बनेगा। इस नियत से खाएं कि इबादत की ताकत हासिल हो, तो इंशाल्लाह ताला खाना भी इबादत बनेगा। अल्लाह ताला मुझको और आपको खूब खूब तकवे की दौलत से माला माल कर दे कि जब पहली शव्वाल आए तो ये हमारा तकवे का लेवल ऐसा हो जो इंशाल्लाह ताला हमें आला तरीन जन्नत के दर्जे और अपने रब की रज़ा हासिल करने में हमारा मददगार हो। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।